नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के मकसद को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके जरिए प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का था। मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता अवधेश कुमार ने बताया कि निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की दरकार है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए अवधेश कुमार ने कहा, मैं अवधेश कुमार, जिला समन्वयक हूँ। हम लोग महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच गोरखपुर की तरफ से एक रैली कर रहे हैं। रैली के माध्यम से 12 सूत्री ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा जाएगा, जिसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार जो है, जो मरीजों के अधिकार हैं, जो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें हम लोग, चाहे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, वहाँ पे सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास काफ़ी सराहनीय हैं। तब भी उत्तर प्रदेश में आज भी मातृत्व मौत ज़्यादा हो रही हैं, जिसको ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि परिवार के लोग भी प्रसव के बाद जो 42 दिन का समय है उसमें देखभाल परिवार का करें, अपने पत्नी का करें, अपने बेटी का करें, अपने माँ का करें, और साथ ही सरकार भी ये देखे जो भी मातृत्व मौतें हो रही हैं उसकी सोशल ऑडिट करे, ताकि ये सरकार को पता चले कि कितनी भी मौतें अभी भी हो रही हैं। जो उत्तर प्रदेश का अगर डेटा देखें 2005 का, तो 40,000 मौतें प्रतिवर्ष हो रही थी। आज डेटा कम हुआ है, आज बहुत सारे आंकड़े कम हुए हैं सरकार के सराहनीय प्रयास से, लेकिन और काम करने की कोशिश की जानी चाहिए।